हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों को हम व्हाट्सएप के नई पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और व्हाट्सएप का खोज किसने किया था और व्हाट्सएप किस सन में खोजा गया था, चलिए बता रहा हूँ दोस्त। व्हाट्सएप का खोज सन 2009 में ब्रीन एक्टर और जान कुम ने मिलकर बनाया था। वो दोनों पहले याहो कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो याहो को छोड़कर व्हाट्सएप के काम में लग गए। आप लोगों को दोस्त बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप का नई पॉलिसी क्या है। आप लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक आपस में कनेक्टिव है, मतलब दोस्त है। आप लोग बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप का नई पॉलिसी यही है, अगर आप और मैं चैटिंग कर रहे हैं, किसी सामान को लेकर चैटिंग कर रहे हैं कि दोस्त आज हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, तो हमको और आपको पता है कि हम मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे और मोबाइल फ़ोन के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि आज हम लोग ये मोबाइल या कोई मोबाइल हम खरीदेंगे। हम तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब हमारे बात व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करेगा, हमारी बातों को दूसरों के सामने नहीं प्रकट करेगा, हम लोगों की बातों को अपने ही पास एडिंग करते रहेगा और देखते रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तब वो अपना एड, देखिए सबसे पहले ये बात है कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस तो कर ही रहा है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा है। अगर आप बात करें मोबाइल के लिए, तो जैसे ही आप फेसबुक खोलेंगे आपका फेसबुक पर मोबाइल का एड आने लगेगा। जैसे आप वहाँ से मोबाइल खरीदते हैं तो उसको बेनिफिट होगा, पूरा बेनिफिट। यही कर दिया है कि आप अगर एक बुक खरीद रहे हैं, अगर बुक खरीद रहे हैं तो उसको वहाँ से बेनिफिट होगा। आप अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं आप कोई भी सामान के लिए, लेकिन उसको पता है कि ये भाई, ये दोस्त बुक के बारे में बात कर रहा है, ये बुक खरीदेगा, इसके फेसबुक पर नए से नए बुक का एडवर्टाइजमेंट दो, एड लगाओ कि यहाँ से ही ये बुक खरीदे। यही पॉलिसी है। अगर पॉलिसी का यही है, वह सभी लोगों को व्हाट्सएप को अपडेट करने के लिए जनवरी में ही कह दिया था कि आप अपने अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर दीजिए। अपडेट इसलिए बोल रहा है क्योंकि नई फीचर लाया है शॉपिंग वाला, तब यही फीचिंग लाकर सभी को शॉपिंग करने के लिए जागरूक कर रहा है, नहीं तो आप लोगों का व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।